छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता के साथ इस बजट की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमारे चारों तरफ चुनौतियों का घना अंधेरा है, हमारे अंदर इस अंधेरे के खिलाफ लड़ने की ताकत है। छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया है और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक स्पष्ट सपना और एक रोडमैप जरूरी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय के विकास का नया अध्याय लिखेगा। इसके लिए हमने आधारभूत रणनीति तैयार की है जो 10 स्तंभों पर टिकी होगी। जो 10 स्तंभ उन्होंने बताए, उनमें फोकस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास, तमाम चुनौतियों के बीच आधिकारिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर, सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश सुनिश्चित करना, बस्तर सरगुजा पर फोकस, DDP यानी डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास और 10वां क्रियान्वयन का महत्व शामिल है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया वो पीएम मोदी की गारंटी वाला बजट रहा। इसकी एक खास बात ये भी रही कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के बजट के ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवा महिला और किसान के साथ ही आधुनिकता का समावेश भी देखने को मिला। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों पर खास ध्यान दिया गया। आइए इस बजट की कुछ खास और बड़ी बातें आपको बताते हैं। युवाओं को सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली के यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 65 से बढ़ाकर 200 कर दी है। हिंदी छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की घोषणा की गई है। इसके विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वहीं रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान और पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। मैतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य पुलिस बल में 1,089 पदों की वृद्धि की गई है। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों को स्पीक रेजिस्टेंट बूट दिए जाएंगे। ई कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन किया गया। अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नगरीय क्षेत्र की स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों में लाइब्रेरी बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि शुद्ध पेयजल के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैंपा में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाथी बचाव रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करेगी। वहीं प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना होगी। शिक्षा व्यवस्था सुधारने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जाएगा। इसके साथ ही रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन होगा। युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू होगी। सौर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 6,96,000 कृषि पंपों को लाभ दिलाने के लिए योजना बनेगी। वहीं बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिम्स के नव निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का, जबकि मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी में 220 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने की घोषणा भी की गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए
केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। तो वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। तो इस प्रकार ओपी चौधरी ने पहली बार अपना बजट पेश किया, जो कि मोदी सरकार की गारंटियों वाला बजट है। अब ये जनता को कितना पसंद आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।